हरिद्वार में नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और यही कारण है कि नशे को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने पर चर्चा की गई। बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रकार के एक्सपायर्ड और प्रतिबंधित दवाइयों को अपने स्टोर में न रखें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नशे की दवाइयों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अगर किसी मेडिकल स्टोर पर इन दवाओं को बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनीता भारती ने बताया कि प्रशासन लगातार नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रयासरत है। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। जो है सुल्तानपुर द्वारा यहाँ पर मीटिंग कराई गई है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप लोग मीटिंग करेंगे, हालांकि ये लोग हर 6 महीने में मीटिंग अपनी तरफ से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो है इस वक्त दिवाली का टाइम है और काफ़ी दवाइयों का मिसयूज होने का चांसेस रहता है। और मेरे द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी तरीके से जो है नारकोटिक दवाओं का जो है मिसयूज नहीं किया जाएगा, और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो है पूरी मेडिकल स्टोर में क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उनके स्टोरेज पर डिपेंड करती है। जैसा कि मैं कई बार देखती हूँ दुकानों पर इतना फ्रिज गंदा रहता है, दुकानें दवाइयाँ नीचे ज़मीन में रखी हुई है जो एक्ट के अनुरूप है, जो है अनुरूप नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दवाइयों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ताकि कस्टमर तक जो दवाई जाए उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। और बाकी इन्हें बताया गया है मेरे द्वारा एक्सपायरी दवाइयाँ किसी को नहीं देंगे, कैमरे लगाएंगे दुकान पे और पूरा जो है फ्रिज साफ होना चाहिए, दवाइयों का टेम्परेचर देखते हुए उन्हें मेंटेन करेंगे। अगर कोई होलसेलर है तो दुकान पे एसी भी लगाएगा अपना, और बाकी किसी के द्वारा जो है मेडिकल स्टोर पर किसी प्रकार की प्रैक्टिस वगैरह नहीं की जाएगी।